नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि हमारे अपनों को चोट लगने पर हम दुखी हो जाते हैं, उनका दर्द देखकर हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वही अपने जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो क्यों उनके अंतिम संस्कार में इतनी जल्दबाजी करने लगते हैं? क्या इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ छुपा हुआ है या फिर ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है जिसके कारण ना चाहते हुए भी हमें जल्द से जल्द मृतक का अंतिम संस्कार करना पड़ता है? तो मित्रों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसी प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं कि आखिर मृत्यु के बाद शव को इतनी जल्दी क्यों जलाया जाता है। अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, आइए सब मिलकर जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। और इसी पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि आखिर शव को ज्यादा देर तक घर में नहीं रखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके शव का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। गरुड़ पुराण में किए गए वर्णन के अनुसार जब भी किसी गाँव या मोहल्ले में किसी की मृत्यु होती है तो जब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक उसके घर परिवार के अलावा पूरे गांव को भी उसके जाने के शोक में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक तरीका है मृतक के परिवार के शोक में शामिल होने का। जब तक मृत व्यक्ति का शव घर में रहता है तब तक पूरे गांव में ना तो पूजा होती है और ना ही कोई शुभ कार्य। इतना ही नहीं, इस दौरान घर में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता। ऐसे में अगर ज्यादा समय तक घर में मृतक के शव को रखा गया तो इससे दूसरे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और मित्रों, यही कारण है कि मृत व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द किया जाता है। इसके अलावा शव जलाने का एक कारण यह भी है कि हिंदू धर्म में रात्रि के समय अंतिम संस्कार करने को वर्जित माना गया है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में मृतक की आत्मा को कष्ट भोगने पड़ते हैं और यही कारण है कि मृतक के शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त से पहले करने का प्रयास किया जाता है। हिंदू धर्म के अन्य शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो मृत व्यक्ति के शव की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान अगर शव को कोई जानवर छू लेता है तो उसकी दुर्गति हो जाती है। ऐसे में अधिक समय तक शव रखने से उसकी देखभाल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और यह भी एक कारण है जिस वजह से शव का अंतिम संस्कार जल्दी कर दिया जाता है। लेकिन मित्रों, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तब अंतिम संस्कार करने में जल्दबाजी नहीं की जाती बल्कि सूर्योदय होने का इंतजार किया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, फिर अगले दिन सूर्योदय होने के बाद उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल के दौरान हुई हो तो भी अंतिम संस्कार करने में जल्दबाजी नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में जब तक पंचक काल समाप्त नहीं होता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और कोई न कोई व्यक्ति शव के पास हमेशा रहता है। तो मित्रों, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि किसी के स्वार्थ के लिए शव को जल्दी नहीं जलाया जाता बल्कि शास्त्रों में बताए गए नियमों के कारण ही शव का अंतिम संस्कार करने में जल्दबाजी किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।